हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट कर रहे थे हम लोग और लास्ट क्लास में इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में देखे थे। बैंड थ्योरी के आधार पे भी हम लोग कि कैसे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगता है वह इंसुलेटर ना रह करके एक सेमीकंडक्टर का काम करता है, लेकिन उसका सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेवियर होने का भी एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर तक वह सेमीकंडक्टर का काम करेगा। और यदि टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो जाए तो वह क्रिस्टल डिसइंटीग्रेट करके जो है फिर मे बी सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव ना करे। तो उसमें से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने क्या देखा था कि यदि कोई सब्सटेंस प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर का काम करे, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट ना हो, कोई दूसरा चीज़ मिला हुआ ना हो, उसके बावजूद वह सेमीकंडक्टर का काम कर रहा है तो प्योर सेमीकंडक्टर कहलाएगा या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो है क्रिस्टल्स को कंसिडर किए थे हम लोग और देखे थे उसमें कि कैसे सिलिकॉन का जो है मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर अधिक हो रहा था जर्मेनियम से, और बैंड गैप भी दोनों के लिए जो है अलग अलग थे। तो आज अभी इसमें हम लोग देखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेम टॉपिक फिजिक्स में पढ़ोगे क्लास 12 में ही, वहाँ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक अलग चैप्टर ही पढ़ना है। तो वहाँ सेमीकंडक्टर चैप्टर में आप सेमीकंडक्टर के अलावे सेमीकंडक्टर का डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ोगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, या कॉमन टॉपिक है या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ोगे। सेम चीज़ है, यहाँ पढ़ोगा वहाँ एक ही चीज़ है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, तो सिंपल सा बात हम लोग इसमें लिखेंगे कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर, कि यदि कोई सब्सटेंस सेमीकंडक्टर का काम करे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के चलते। अब यह इम्प्योरिटी होगा क्या, तो यह इम्प्योरिटी कोई एलिमेंट ही होगा, या इम्प्योरिटी कोई एलिमेंट ही होगा। तो इफ़ या सब्सटेंस एक्ट्स एज सेमीकंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज देन इट इज कॉल्ड एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि यदि कोई सब्सटेंस इम्प्योरिटी प्रेजेंट होने के चलते सेमीकंडक्टर का काम करे तो वह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाएगा, और वह जो इम्प्योरिटी है वह इम्प्योरिटी कोई एलिमेंट ही होना है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का, जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं उसी में से किसी ग्रुप का जो है एलिमेंट ही होना है। अब इसके पहले जो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या देख रहे थे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो प्योर क्रिस्टल्स हैं वे ही काम करते हैं क्या चीज़ का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों जो है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स से इसका मतलब हुआ कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, पर एटम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं इसीलिए। अब यदि इसी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं इसमें कोई दूसरे ग्रुप के एलिमेंट को मिला दिया जाए, तो जिस ग्रुप के एलिमेंट को भी आप मिलाओगे, ग्रुप 13 का मिलाओ या ग्रुप 15 का मिलाओ, जिस ग्रुप के एलिमेंट को भी आप इसमें मिलाओगे यह कहलाएगा इम्प्योरिटी, और इसी इम्प्योरिटी को जो है हम लोग यहाँ बोलते हैं डोपेंट। और जो प्रोसेस हुआ इम्प्योरिटी को प्योर क्रिस्टल में मिलाना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, डोपिंग बोल रहे थे। ऐसा या जो डोपिंग वर्ड है बेसिकली गेम स्पोर्ट्स वगैरह में यूज होता है, सुने होंगे कभी कि इस प्लेयर का डोप टेस्ट हुआ है। तो डोप टेस्ट कहने का मतलब हुआ कि वह प्लेयर जो भी गेम या स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो उसमें वह कोई इम्प्योरिटी तो नहीं कंज्यूम किए हुए था, मतलब कोई वैसा भी चीज़ नशीला चीज़ होता है ना, ड्रग्स वगैरह लेकर के लोग, अब कोई
दौड़ने वाला है, मतलब कि रनर जो दौड़ता है, अब मान के चलो कि वह कोई ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करके दौड़ रहा है, तो ये सब लेने से होता क्या है कि शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगा, आप कंटिन्यूसली एक काम को बहुत समय तक करते ही रहोगे। ऐसा बहुत सारे वैसे होते हैं और कई खिलाड़ी पकड़े भी गए हैं इन सारे डोप टेस्ट के माध्यम से। तो यह जो डोप का मतलब है वह है इम्प्यूरिटी, तो वहाँ इम्प्यूरिटी ड्रग्स वगैरह होता है, कोई भी नशीला चीज, यहाँ इम्प्यूरिटी जो है कोई दूसरे ग्रुप का एलिमेंट होगा। चूँकि ग्रुप 14 के जो एलिमेंट हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके प्योर क्रिस्टल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब इसी में से हम बोल रहे हैं कि यदि किसी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट को मिला दो 13 या 15 वगैरह का, तो ये जो एलिमेंट मिलाए जा रहे हैं बाहर से, मतलब ये इम्प्यूरिटी हुए, और इसी इम्प्योरिटी को हम लोग दूसरे वर्ड में डोपेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी को प्योर क्रिस्टल में मिलाने का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम वैसे देखोगे तब ये हैं सेमी मेटल्स। क्या हैं ये? सेमी मेटल्स, ना तो प्योर नॉन मेटल्स हैं ना तो प्योर मेटल्स हैं, सेमी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। और इनके क्रिस्टल को हम लोग कोवेलेंट क्रिस्टल मान के चलते हैं। आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखोगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो प्योर क्रिस्टल्स होते हैं वे कोवेलेंट नेचर के होते हैं, उनमें कोवेलेंट टाइप का बॉन्डिंग होता है। कैसे होता है समझोगे, सिलिकॉन के क्रिस्टल को यदि हम लोग दिखाना चाहें तो ऐसे सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स होंगे ऐसा, और बताया कि ग्रुप 14 का एलिमेंट है, मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। वैसे भी देखोगे एटॉमिक नंबर 14 होता है ना, तो 2, 8 और 4 लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है ऐसा। अभी क्या होगा कि प्रत्येक सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके यह सिलिकॉन अपने अगल बगल 4 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड इस सिलिकॉन के साथ बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ई लगाया तो एक ई भी लगाएगा। ई ऑर्बिटल को दिखाया जा रहा है ऐसे, उसी प्रकार से यहाँ होगा, एक इधर लगा दिया, एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर लगाएगा तो इधर भी कोई सिलिकॉन होना है, फिर एक इधर लगा देगा तो एक इधर भी कोई सिलिकॉन होना है। तो इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 1, 2, 3, 4। वैसे ही सबके साथ होगा, प्रत्येक सिलिकॉन अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके 4 और सिलिकॉन के साथ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा। प्रत्येक सिलिकॉन का वही कहानी है ऐसा। दिस इज प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल जो किस नेचर का है, कोवेलेंट नेचर का है। प्रत्येक सिलिकॉन इसमें अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके 4 और सिलिकॉन एटम के साथ जुड़ गया है। और देखोगे तो यहाँ जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं ये सभी के सभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नहीं, 4 है तो चारों तो बॉन्ड ही बना रहा है ना, तो इसके लिए यदि आप बैंड कंस्ट्रक्ट करोगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो हमने पढ़ा था, तो ऑब्वियसली यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं तो वे सभी वैलेंस बैंड बनाएंगे ऐसे, कि वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ होगा इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली होगा। सिलिकॉन के लिए या बैंड डायग्राम है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, या एनर्जी गैप स्मॉल होता है तुम लोग जानते हैं, स्मॉल एनर्जी गैप ऐसा। देखो यहाँ दो सिलिकॉन है, दोनों के बीच दो इलेक्ट्रॉन है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन में हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि ए कोई एटम है, बी भी एटम है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लगाया ऐसे दिखला करके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। इसका मतलब यहाँ भी तो वैसे ही होना है, इसी को आप दूसरे तरीके से दिखाओगे तो ऐसे हो जाएगा, सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड बनते जाएगा सब जगह, ऐसे करके सब जगह सिंगल बॉन्ड बनते जाएगा। तो यह जो बॉन्ड हुआ या दो एटम के बीच है, इसलिए लिखते हैं 2C,
और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2e। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, माने वह बॉन्ड जो दो सेंटर के बीच है, मतलब दो एटम के बीच, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, दो। तो जो एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड का थ्योरी है वह तो यही है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच बनता है, दोनों एटम मिलकर के अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब कि ओवरऑल उस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह जो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जनरली ऐसा ही बनता है ऐसा। तो ये प्योर सिलिकॉन की बात करी हमने। अब चूंकि यहाँ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो प्योर क्रिस्टल तो रहेगा नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इम्प्योरिटी मिलाने वाले हैं, इम्प्योरिटी किसी ग्रुप के एलिमेंट को मिलाएंगे, जाहिर सी बात है। अब कौन से ग्रुप को एलिमेंट को मिलाओगे इसी पे डिपेंड करता है कि वह सेमीकंडक्टर किस टाइप का बनेगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्योंकि आगे दो टाइप का होना है, यह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पहला और दूसरा नंबर में है पी टाइप सेमीकंडक्टर। 5 मार्क्स के लिए कंप्लीट क्वेश्चन बनता है एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ध्यान से समझेंगे हम लोग। सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर हुआ। और यह बनेगा कैसे, जब कोई प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल में आप कुछ इम्प्योरिटी मिलाओगे। तो मान लें कि प्योर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का क्रिस्टल है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे ग्रुप 15 के कोई एलिमेंट को। तो ग्रुप 15 में वैसे एलिमेंट को मिलाना है जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर सके या दे सके बॉन्डिंग में। तो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से वही एलिमेंट बॉन्डिंग में दे सकता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। अब ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी। डाउन द ग्रुप जाने से इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, तो इन दोनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, तो इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग देखेंगे नहीं। नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह अपने इलेक्ट्रॉन को तो बहुत ज़्यादा देने के लिए इच्छुक होगा नहीं। तो बच रहे हैं बीच के ये दो एलिमेंट, फास्फोरस या फिर आर्सेनिक। तो मान लें कि ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट, तो कोई में तो 5 हैं, लेकिन 5ों में से जो देने लायक बचे वे कौन से हुए, फास्फोरस और आर्सेनिक। क्योंकि बिस्मथ और एंटीमनी नीचे है ना, तो इस समय इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में नहीं लगा पाएंगे, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वैसे ही नहीं देना चाहेगा। तो ये बीच वाले दो एलिमेंट सबसे सूटेबल हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो मान लें हम लोग कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो प्योर क्रिस्टल है उसमें ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट, मतलब कि फास्फोरस या आर्सेनिक को मिला दिया जाए थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में। तो मिलाने का मतलब है कि क्रिस्टल को मेल्ट करके मिलाया जाता है, वैसे ही नहीं कि सिलिकॉन लिए उसको फास्फोरस ऐसे कैसे मिलाओगे, ये भी सॉलिड है वो भी सॉलिड है, तो उसको मेल्ट करके जो है बढ़िया से मिलाया जाता है। तो जब भी ग्रुप 15 के किसी एलिमेंट को बेसिकली फास्फोरस या आर्सेनिक के थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट को मिलाया जाता है प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में, तो यह जो कम्बिनेशन होगा सिलिकॉन या जर्मेनियम प्लस फास्फोरस या आर्सेनिक, तो यही कम्बिनेशन कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। यही क्या कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इस केस में जो ये फास्फोरस या आर्सेनिक होंगे ये क्या कहलाने वाले हैं, डोपेंट। इम्प्योरिटी यही दोनों ना हुए, ये तो प्योर क्रिस्टल है। अब इसी प्योर क्रिस्टल में इन दोनों में से किसी एक को आप मिलाओगे तो ये दोनों यहाँ से इम्प्योरिटी कहलाएंगे। इम्प्योरिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोपेंट के नाम से जानते हैं। तो समझ गए एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, कैसे बनता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है कि जब भी प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में किसी भी ग्रुप 15 एलिमेंट को मिलाया जाता है। ग्रुप 15 एलिमेंट का क्या खासियत है कि ये पेंटावेलेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं।
किसी भी का भी कन्फिग्रेशन लिखोगे तो वैसे ही होगा NH2NP3। अब NH2NP3 मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ग्रुप 15 के एलिमेंट को हम लोग जो है पेंटावेलेंट एलिमेंट भी बोलते हैं। तो फ्रेंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ ए पेंटावेलेंट एलिमेंट दैट इज ग्रुप 15 एलिमेंट सच एज फास्फोरस और आर्सेनिक इज एडेड इन अ स्मॉल अमाउंट टू द प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल वी गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड फास्फोरस और आर्सेनिक इज हियर कॉल्ड डोपेंट। ठीक, अब क्या होगा आगे उसको समझना है। आप फास्फोरस और आर्सेनिक को मिला रहे हो, अब चूँकि फास्फोरस आर्सेनिक लिखे हैं कि स्मॉल अमाउंट में होगा, मतलब अभी भी इस पूरे इम्प्योर क्रिस्टल में अधिक से अधिक मात्रा में सिलिकॉन या जर्मेनियम ही होने हैं, ये स्मॉल अमाउंट में होंगे। जब आप मिलाओगे इसको डोपेंट को इस प्योर क्रिस्टल में, तो क्या होगा कि जो इसके एटम्स होंगे चाहे फास्फोरस लो चाहे आर्सेनिक, तो उसके एटम क्या करेंगे कि क्रिस्टल में पहले से जो एटम प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर देगा। देखो इस सिलिकॉन का क्रिस्टल था, अब इसमें मान लो कि हम लोग इधर से मिला रहे हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक ज़्यादा बेहतर है मिलाना फास्फोरस से क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा आर्सेनिक का। तो यदि आप आर्सेनिक मिला रहे हो तो यह पेंटावेलेंट एलिमेंट है, मतलब इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। अब चूँकि आर्सेनिक का बहुत ज़्यादा अमाउंट तो आप मिला नहीं रहे हो, इम्प्योरिटी है, थोड़ा बहुत मिलाना है। अब जब थोड़ा सा अमाउंट भी आर्सेनिक का मिलाओगे इस प्योर क्रिस्टल में, तो यह आर्सेनिक क्या करेगा कि पहले से क्रिस्टल में जो सिलिकॉन के एटम्स प्रेजेंट हैं उसमें से सिलिकॉन के कुछ कुछ एटम्स को वह रिप्लेस करेगा। आर्सेनिक क्या करेगा कि सिलिकॉन के कुछ कुछ एटम्स को यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो मान लो कि यहाँ एक सिलिकॉन था, इसको रिप्लेस कर दिया और इस जगह पे अब आ गया आर्सेनिक। ऐसा अब जब आर्सेनिक आया तो यहाँ पहले से जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो सिलिकॉन के थे, अब यहाँ से सिलिकॉन हटेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन रह तो नहीं जाएगा ना। अब आर्सेनिक आया तो यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन्स आर्सेनिक के आने वाले हैं। अब चूंकि आर्सेनिक के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स है 5, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर लगाएगा सिलिकॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ लगाएगा, एक इधर लगाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएगा, 4 ही लगाया। कितना था इसके वैलेंस सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन जो अनयूज्ड रह गया, जो कि अब बॉन्डिंग में नहीं रह सकता है, वह अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इस लैटिस साइट को ऑक्यूपाई करता है। दिस वन इज 5th अनयूज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का पांचवा अनयूज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यह। तो ये सब इलेक्ट्रॉन में तो ठीक था ना कि ये सारे इलेक्ट्रॉन अब लैटिस में इन्वॉल्व हो गए, सब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले गए, ई तो अब बच गया, फालतू का इलेक्ट्रॉन रह गया बिना काम का। तो अभी जैसा कि बताए थे बैंड थ्योरी के आधार पे, तो उसमें क्या देखे थे हम लोग, प्योर सिलिकॉन के लिए जब बना रहे थे तो ऐसा था, यह एक वैलेंस बैंड था, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, और इसमें सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग कंडक्शन बैंड देखे, कंप्लीटली वैकेंट कंडक्शन बैंड। ऐसा तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वे कौन से इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग, मतलब ये जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इसमें। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या कहना है, जो यहाँ लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, और आर्सेनिक का एक एटम को यदि आप यहाँ मिलाए तो हम लोग देख रहे हैं कि एक अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। जब आप आर्सेनिक को मिलाओगे सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल में तो क्या एक ही एटम मिलाओगे, नहीं, कई बार हम बताए हैं कि स्टैंडर्ड तौर पर एक मोल कंसिडर करते हैं, और एक मोल करने का मतलब कि इतना,
अरे आप आधा मोल भी लेते हो तो फिर भी इसका आधा मतलब वो भी तो बहुत सारा हो जाएगा। तो एक आर्सेनिक के लिए यदि एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच रहा है तो इतने सारे यदि आर्सेनिक है मतलब कि इतने सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री बच जाएंगे, और वे इलेक्ट्रॉन्स फ्री बच रहे हैं बॉन्डिंग वाले जो हैं वे तो है ही, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जा रहे हैं अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन, वे सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल करके क्या करते हैं कि कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक अलग सा इलेक्ट्रॉन लेवल बनाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल। ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, तो दिस डोनर लेवल कंटेन फिफ्थ अनयूज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो पांचवा अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल का, वही इलेक्ट्रॉन से मिल करके यह बना है डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल, समझ गए। अब शुरू में देखोगे तो यह वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इसके बीच का गैप अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है लार्ज, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रमोट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, डिफ़िकल्ट टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब आप नया इलेक्ट्रॉन लेवल आया कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, तो इसके बीच का देखो तो गैप तो कुछ बचा ही नहीं जी, टू अ स्मॉल गैप। अब यह इतना स्मॉल गैप है ना कि रूम टेम्परेचर पे ही यह इलेक्ट्रॉन बड़ा आसानी से जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में, और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे तो अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को मूव करने का जगह तो भरा पड़ा है, पूरा का पूरा जगह तो खाली ही था, और इस तरह से इन इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इस कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब कि यह सब्सटेंस अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा, मतलब इस सब्सटेंस से अब इलेक्ट्रिक करेंट जो है वह फ्लो करेगा और ओवरऑल काम करेगा यह सेमी कंडक्टर का। तो यहाँ जो यह सेमी कंडक्टर का काम कर रहा है वह बेसिकली कर रहा है इस इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट के चलते, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या बोले नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन का ये जो एन है ना, इसी एन को उठा करके ये बन गया है एन टाइप सेमी कंडक्टर। और यहाँ यह जो क्रिस्टल आया, इस क्रिस्टल को हम लोग बोलेंगे आर्सेनिक डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल, कि वह सिलिकॉन का क्रिस्टल जिसमें आर्सेनिक डोप किया हुआ है, मतलब आर्सेनिक उसमें मिला हुआ है, बेसिकली सिलिकॉन का ही क्रिस्टल, लेकिन सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल नहीं है, उसमें क्या मिला हुआ है आर्सेनिक मिला हुआ है। तो कैसे काम किया या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो देखें एक बार, इसको समराइज कर देते हैं, हम ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में था कि कोई सब्सटेंस प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर का काम करेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर स्टेट में सेमीकंडक्टर का काम कर रहे थे टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। अब प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल हम लोग लेते हैं तो कोवेलेंट क्रिस्टल है दोनों का, और दोनों में चूंकि वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वे चार इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके चार और एटम से अगल बगल आपस में जुड़ जाते हैं। जब उसी प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल में कोई भी ग्रुप 15 का एलिमेंट जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सके, और इसमें सबसे सूटेबल हम लोग को आर्सेनिक लगा, तो ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट मतलब ओवरऑल पेंटावेलेंट एलिमेंट को हम लोग मिलाते हैं इस प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल में, तो क्या होगा कि वह पेंटावेलेंट एलिमेंट सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस करेगा उसके लैटिस साइट से, और उस लैटिस साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा वही आर्सेनिक। अब चूंकि आर्सेनिक के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है जबकि क्रिस्टल में इसके अगल बगल 4 ही एटम्स हैं, तो 5 में से यह अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और 5वां जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह अनयूज्ड हो जाएगा जो इस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब यह जो इंटरस्टिशियल साइट वाला इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे तो बहुत सारे सिलिकॉन के एटम इसमें रह जाएंगे, और आर्सेनिक के एटम, और सारे आर्सेनिक एटम का या जो 5वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या मिलेगा तो मिल करके क्या करते हैं ये कि कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल बनाते हैं।
कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, इसको भी याद रखोगे एग्जाम में आता है कि डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल कहाँ बनता है, एबव द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, या फिर दे देगा बिलो द वैलेंस बैंड, ऐसे करके कुछ भी। तो याद रखोगे जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। तो यह जो डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल है इसमें है क्या, तो आर्सेनिक का जो पांचवा अनयूज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वह अनयूज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें भरा हुआ है। अब चूंकि यह वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि दोनों के बीच का एनर्जी गैप ज़्यादा है, लेकिन जब यहाँ से डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल क्रिएट हुआ तो यह डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल में चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है या फिर ये जो दो लेवल हैं इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, नहीं कंडक्शन बैंड और डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल के बीच एनर्जी डिफरेंस नहीं के बराबर है, मतलब कि थोड़ा बहुत भी एनर्जी मिलेगा रूम टेम्परेचर का एनर्जी, तो उस एनर्जी पर भी ये इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी आसानी से जंप कर जाएंगे इसमें कंडक्शन बैंड में। और जैसे ही डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल के इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, घूमने का जगह तो पूरा है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के चलते ही पूरे क्रिस्टल से अब करेंट फ्लो करेगा। तो चूंकि यह क्रिस्टल से जो करेंट फ्लो कर रहा है वह बेसिकली इस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन के चलते कर रहा है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ चार्ज कैरियर है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेंगे। पहला, एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, इसमें डोपेंट क्या होता है, तो डोपेंट में दे देगा टेट्रावेलेंट एलिमेंट, ट्राईवेलेंट एलिमेंट, पेंटावेलेंट एलिमेंट, हेक्सावेलेंट एलिमेंट, कुछ भी। तो याद रखेंगे हम लोग पेंटावेलेंट एलिमेंट इसमें बेसिकली होता है। फिर पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होता है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। फिर पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर इलेक्ट्रॉन लेवल कहाँ क्रिएट होता है, तो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक, आर्सेनिक के जगह बताया यहाँ फास्फोरस भी मिला सकते थे हम लोग, लेकिन पीरियोडिक टेबल में यदि चलेंगे तो फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक है, तो फास्फोरस के तुलना में आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इस कारण से यह आर्सेनिक ही अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाएगा। तो हम लोग इसी को लेकर के चलेंगे, फास्फोरस लेने से नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, तब भी बनेगा, लेकिन इसके तुलना में आर्सेनिक ज़्यादा आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब वैसे भी फास्फोरस को हम लोग प्योर नॉन मेटल लेकर के चलते हैं, जबकि आर्सेनिक सेमी मेटल की कैटेगरी में आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज़्यादा है। उसके बाद फिर कि यह जो आर्सेनिक डोप्ड सिलिकॉन क्रिस्टल होता है या किस नेचर का है, आयनिक नेचर, कोवलेंट नेचर, ऐसे करके, तो कोवलेंट नेचर का क्रिस्टल है। इतना बात को ध्यान में रखोगे, इतने ही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो सब्जेक्टिव में तो पूरा कि एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो पूरा ऐसे लैंग्वेज फिगर फिर बैंड को दिखला करके चलना होगा। तो इस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग देखे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर और उसके बाद कंपाउंड सेमीकंडक्टर को करेंगे, तो फिर ये हम लोग का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।